अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो लेफ़्ट साइड पे आप फ़ोटो देख रहे हैं, इस फ़ोटो में मेरा वेट 68 केजीज़ था और मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी। और ये जो राइट साइड पे फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर मेरा वेट 57 केजीज़ है, जो कि काफ़ी हद तक कम हो गया है। और मैंने 3.5 महीने में 11 किलो वज़न कम किया है। तो इसकी टिप्स और कुछ रेसिपीज़ आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह उठते ही 2 ग्लास नीम गर्म पानी के ज़रूर पीती हूँ, जिससे मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो थोड़ा बहुत मेरा बढ़ गया हुआ है और बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक डिटॉक्सिफाई भी हो गई है। उसके बाद मैं जो हूँ, मैं 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का पीती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी सुबह मॉर्निंग रूटीन में शामिल करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ये वज़न कम करती है, दूसरा मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देती है, और जिनको शुगर हो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आपकी बॉडी में कोई दर्द वगैरह है तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है। और ये जो है हमें पीनी सुबह सुबह ही होती है। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कुछ भी वर्कआउट वॉक, तो आपने ज़रूर 1 कप ब्लैक कॉफ़ी जो है एक्सरसाइज से पहले पीना ही पीना है, क्योंकि इससे आपको वेट लॉस में काफ़ी मदद मिलेगी। कॉफ़ी पी के फिर मैं अपनी ट्रेडमिल पे वॉक करती हूँ। इसका जो बिल्ट इन प्रोग्राम है, जिसमें लिखा होता है कि आपने इतनी देर के लिए इतना इंक्लाइन करके ऐसे वॉक करनी है, मैं वो वाला प्रोग्राम नहीं यूज़ करती। मैं अपने हिसाब से अपनी ट्रेडमिल की स्पीड को एडजस्ट करती हूँ और अपने हिसाब से इसको इंक्लाइन करती हूँ। तो स्टार्टिंग पे मैं इसकी स्पीड 3 करती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 1-1, 2-2 मिनट के बाद इसकी स्पीड को बढ़ा देती हूँ। और इसी तरह इंक्लाइन भी 1 से शुरू करती हूँ, फिर 3 पे लेके जाती हूँ, फिर 6 पे लेके जाती हूँ, एंड सो ऑन। तो आपने भी ऐसी करना है, जितनी आपकी एनर्जी है, जितनी आपकी बॉडी इजाज़त दे रही है, आपने उस हिसाब से ट्रेडमिल की स्पीड को जो है वो एडजस्ट करना है और वॉक करनी है। शुरू में शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि वॉक से ही जो है वो आपका वेट कम होगा। उसके बाद जो है, ये जितनी इस पर कैलोरीज लिखा आ रहा है, 270 कैलोरीज, 371 कैलोरीज, इसके ऊपर आपने नहीं जाना। ये ऐसे ही लिखा होता है, इतनी कैलोरीज नहीं बर्न होती, बस आपने दिल लगा के वॉक करनी है। तो मैं मिनिमम 35 मिनट्स और मैक्सिमम जो है वो 40-50 मिनट्स तक वॉक करती रही हूँ। वॉक करके फिर वैसे ही भूख लग जाती है, तो आधे घंटे के बाद मैं ट्रेडमिल करने के आधे घंटे बाद मैं अपना नाश्ता जो है वो बना रही हूँ। इधर देखें आप, तो नाश्ते में सबसे पहले तो मैं ये खीरा एक कट कर रही हूँ। खीरे के जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि खीरे में सिर्फ 30 कैलोरीज होती हैं। और जितनी भी आप वेजिटेबल्स खाएँ, नाश्ते में खाएँ, लंच में खाएँ, डिनर में खाएँ, स्नैक्स में खाएँ, ये पोर्शन फ्री हैं। मैं जो डाइट फॉलो करती हूँ वो पोर्शन कंट्रोल है, सब कुछ पोर्शन फ्रेंडली खाती हूँ। और इस डाइट में मैं सब कुछ खाती हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करती, इवन मैं जंक फूड भी खाती हूँ। तो आपने जो है खीरे भी खाने हैं, आपने गाजरें खानी हैं। अच्छा, तो आपको बताती चलूँ, खीरा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर से पानी की कमी को भी ख़त्म करेगा। इसमें विटामिन के है, विटामिन ए है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए और हमारी नज़र के लिए भी बहुत अच्छा है, और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। फिर जब मैं बिल्कुल अपने पीक टाइम पे थी वेट रिड्यूस करने के, तो मैं ब्रेड लेती थी। ज़्यादा लोग ब्राउन ब्रेड प्रेफर करते हैं, पर मैं वाइट ब्रेड ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज होती हैं। ब्राउन ब्रेड में होती हैं आई थिंक 75 कैलोरीज और वाइट ब्रेड में होती हैं 77 कैलोरीज। तो जब तकरीबन सेम ही कैलोरीज हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि हम अपने टेस्ट पर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। मुझे ब्राउन ब्रेड का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आप ये देखें, मैं पीनट बटर लगा रही हूँ इसके ऊपर। पीनट बटर भी आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना। हर चीज़ जो है वो अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में ले, जितनी अलाउड है, वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। पर अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा ले लेंगे लिमिट से, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो वेट है वो बढ़ा देगी। तो पीनट बटर डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। मतलब इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये हेल्दी होता है बहुत। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आप पीनट बटर को अपनी डाइट का जो है वो हिस्सा बनाएं, क्योंकि मेरा वेट इन्हीं चीज़ों से कम हुआ है। अच्छा, तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पीनट बटर के बाद जैम मेरी एक ऑप्शन है नाश्ते की। पर जैम जो है इसमें ऑब्वियसली कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मोस्टली पीनट बटर वगैरह ही मैं लगा रही होती हूँ, या कभी इसके अंदर स्लाइस में खीरे ले लेती हूँ। कभी अंडे जो हैं ज़्यादा नहीं मैं खाती, हालांकि अंडे जो हैं बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगर आप लोग
खाते हैं तो आप लोग दो एग वाइट्स जो हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि अंडे की सर्दी में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। फिर ये जी चिकन स्प्रेड है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, इसलिए कभी कभी मैं एक टीस्पून स्लाइस पे लगा लेती हूँ। फिर जी दूसरी ऑप्शन ये शामी कबाब की है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, ये मैं नाश्ते में कभी लंच में कभी डिनर में खा लेती हूँ। इसके अंदर चिकन है, दाल है, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और ये सिर्फ एक टीस्पून ऑयल में मैंने फ्राई किया है, ना होने के बराबर ऑयल में ये फ्राई हुआ है। और मैं इस तरह से अपने शामी कबाब जो हैं बना के रख लेती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी रहे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, मैं रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। अच्छा, फिर दूसरी ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ये थी कि मैं गंदम का दलिया जो है वो खा लेती हूँ कभी कभी, इससे भी काफ़ी ज़्यादा वेट कम हुआ है क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता दूँ, अगर आप लोगों के पास ये वेट स्केल नहीं है तो ये आप लोग लाजमी लें, क्योंकि इसके ऊपर जब आप अपने खाने को मेजर करके खाएंगे ना, तो आप जितना हमें रिक्वायर्ड होगा ना, हम फिर उतना खा सकते हैं, हम ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। और ऑटोमेटिकली जब हम ओवर ईटिंग से बचेंगे तो हमारा वज़न जो है वो भी पीछे की तरफ ही जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो जो दलिया है ना, उसका 30 ग्राम जो है वो एक पोर्शन बनता है, तो 30 ग्राम से ज़्यादा आपने दलिया नहीं खाना। फिर जी वो तो था गंदम का दलिया, अब ये जार में जो है मेरे पास ये जौ का दलिया है। जिन लोगों को शुगर है या जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं तो वो ये जौ का दलिया खा ले, इसको ओट्स भी कह देते हैं, इसको बार्ले भी कह देते हैं, तो आप लोग ये वाला दलिया बना के खा लें। तो वैसे जो है चमचों के हिसाब से बताऊँ तो आई थिंक 4 से 4.5 टेबल स्पून जो है वो 30 ग्राम मेरा ख्याल है बनते हैं, जिनके पास वेट स्केल नहीं है तो वो इतने चम्मच ये लेके तो दलिया बना के खा सकते हैं। फिर मीठा जो है हमें ज़ाहिर है छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको छोड़े बगैर तो वेट नहीं ना कम हो सकता, क्योंकि मीठा मुझे पसंद भी है, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मैं ये किशमिश 4-5 अदद डाल लेती हूँ दलिया बना के, तो ये मेरी उस मीठे की क्रेविंग को पूरा कर देती है। आप लोग भी ये कर सकते हैं। फिर ये बादाम, सबको ही पता है बहुत हेल्दी हैं, हमारे दिमाग के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, स्किन भी इससे बहुत अच्छी होती है, स्किन वाइटनिंग के लिए भी होते हैं, हेल्दी रखते हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी कैलोरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये बादाम भी जो है मैं दलिया पे डाल लेती हूँ। अब ये देखें जी, जिस तरह एक दिन पहले ये मैंने बना के रखा हुआ था, ये गंदम का दलिया है, ये चक्की वाला गंदम का दलिया है, ये मार्केट से मैंने नहीं लिया हुआ, तो ये आप बस इतनी क्वान्टिटी में ही खा सकते हैं। अच्छा, फिर तीसरी ऑप्शन मेरे पास नाश्ते की जो है वो कॉर्नफ्लेक्स की है। कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता भी मैं कर लेती होती हूँ, तो ये मार्केट में सबको ही पता है इजीली अवेलेबल हैं, और ये इतना ज़्यादा वेट लॉस को जो है आपकी डाइटिंग को ये अफेक्ट नहीं करेंगे। तो जब भी आप लें, इसका बॉक्स वगैरह चेक करके लें, इसके ऊपर सारी सर्विंग साइज़ मेंशन है कि 30 ग्राम्स जो है ये हमें अलाउड हैं और कितनी कैलोरीज जो हैं इसके अंदर होंगी पर सर्विंग, और ये पीछे इसके सारे फ़ायदे वगैरह लिखे हुए हैं कि किस किस चीज़ के लिए अच्छे होते हैं। और इसके अलावा बॉक्स पे ये भी मेंशन है कि राइस फ्लेक्स भी मिल जाएंगे आपको, फ्रॉस्टेड में मिल जाएंगे, व्हीट फ्लेक्स भी मिल जाएंगे और ब्राउन फ्लेक्स भी मिल जाएंगे, पर मुझे कॉर्नफ्लेक्स ही पसंद हैं, और ये क्योंकि इफ़ेक्टिव भी रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप भी कॉर्नफ्लेक्स ही यूज़ करें। फिर जी दूध जो है हमने रोज़ का एक ग्लास पीना ही पीना है, अगर आप चाय पीते हैं तो फिर आप आधा कप चाय पी लें, और अगर कॉर्नफ्लेक्स भी खाने हैं तो आधा कप जो है आप कॉर्नफ्लेक्स में यूज़ कर लें, और 30 ग्राम साथ कॉर्नफ्लेक्स आप मेजर करके डाल लें, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती इसलिए फिर मैंने अपनी मिल्क की इनटेक जो है वो ऐसे ही पूरी करनी होती है, कभी कॉर्नफ्लेक्स के थ्रू कभी दलिया वगैरह के थ्रू। तो ये देखें आपके आई थिंक 30 ग्राम्स हो गए हैं। फिर जी जूस बहुत एक अच्छी ऑप्शन है नाश्ते में, आप जूस पिएं या 4 बजे पी लें, जिस भी टाइम आपका दिल चाहता है आप जूस ज़रूर पिएं, पर हाँ जी चीनी नहीं आपने डालनी। अगर आप मीठे के बगैर नहीं रह सकते तो आप हनी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं आपको अपने लंच और डिनर का बताऊँगी जी। ये मैंने काले चने का सालन ले लिया है, तो ये आप इतना भी ले सकते हैं, इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये सब आप पे है। फिर जी राइस ले रही हूँ साथ, राइस का लोग यही कहते हैं सबको कि चावल ना खाएं, चावल रोटी छोड़ दें मोटे हो जाएंगे, पर पोर्शन कंट्रोल में ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं। तो 12 टेबल स्पून चावलों के जो होते हैं वो 2 पोर्शन कार्ब के बन जाते हैं, तो 2 पोर्शन हमें एक टाइम पे अलाउड होते हैं, नाश्ते में भी, दोपहर के खाने में भी, रात के खाने में भी। तो जी देखिए इधर ये मैं 12 चम्मच चावल के डाल रही हूँ, आप देख लीजिएगा ये प्लेट फुल हो जाएगी इससे, और इतना एक टाइम पे बहुत होता है। साथ आप सैलड ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, खीरे, गाजर, मूली, जो भी आपके पास अवेलेबल वेजिटेबल है आप वो ले सकते हैं, क्योंकि वो पोर्शन फ्री होती हैं। फिर अब जी ये आ गई है एक माइंड गेम।
अगर हम यही 12 चम्मच चावल को एक छोटी प्लेट में डाल के खाएंगे तो वो ऐसे लगेगा, हमारे माइंड को ऐसे लगेगा कि हमने भाई एक भरी हुई प्लेट खाई है, जिससे खुद ही बस फील होने लग जाएगा कि पेट भर गया। दूसरी माइंड गेम ये है कि आपने टीस्पून से खाना है, या टीस्पून से थोड़ा बड़ा एक मीडियम सा स्पून होता है, आपने उससे खा लेना है। तो इससे भी आपके चम्मच ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगे। फिर जी ये रोटी ले लिया, ये रोटी बहुत बड़े साइज़ की है, ये रोटी आपने हरगिज़ नहीं खानी। आपने करना है पेड़ा और उसको आपने चेक करना है अपने वेट स्केल पे। मिनिमम 60-65 ग्राम्स का पेड़ा होगा और मैक्सिमम 75 ग्राम्स का पेड़ा होगा। एक टाइम पे आप ये रोटी खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं, दोपहर के खाने में भी खा सकते हैं, रात के खाने में भी एक रोटी इस वज़न की खा सकते हैं। तो कभी भी आप यकीन करें, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आप मोटे नहीं होंगे अगर आप इस तरह से अपनी चीज़ों को मेजर कर लेंगे। ये साथ आलू का जो सालन है, ये बिल्कुल ही, इसमें ऑयल नहीं है, ये बिल्कुल ही फैट फ्री सालन है। और ये जो मैंने पेड़ा किया था, ये उस पेड़े की इतने साइज़ की रोटी बनी है, जो कि मेरा ख्याल है एक टाइम के लिए बहुत है। फिर जी ये बिरयानी की तरफ आ जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं वज़न कम कर रहे हैं, बिरयानी नहीं खाई जाएगी, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को बिरयानी अच्छी बहुत लगती है। तो आप देख लें, 6-8 चम्मच खा लें, 10 चम्मच खा लें, 12 चम्मच, बस आपने 12 की एक ना लिमिट लगा देनी है। और साथ आप ढेरों ढेर सैलड ले लें, रायता ले लें, रायते से आपकी डेरी की इनटेक भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि दही से जो बनता है वो। फिर साथ में आप 1-2 बोटियाँ डाल लें, आपकी प्रोटीन की इनटेक भी पूरी हो जाएगी। तो हम एक कंप्लीट चीज़ को फॉलो करेंगे, जिसमें हम सब कुछ खाएंगे पिएंगे। चलें जी, अब मैं आपको स्नैक्स का बताती हूँ। स्नैक्स की सबसे अच्छी और हेल्दी ऑप्शन तो ये है कि हम दही खा लें। बात ही ख़त्म हो गई है, दही खा लें। एक तो नेचुरल चीज़ है, प्रोसेस के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, बोन्स के लिए अच्छा है, हमारे दांत के लिए, दांतों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कैल्शियम जो होती है, उसके बाद फिर ये जो है स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और ये साथ में मैंने बादाम का पाउडर जो है वो बना के रखा हुआ है। तो मैं 1/2 चम्मच इतनी, मतलब इस क्वांटिटी में दही लेके, एक छोटे बोल में 1-2 चम्मच इसमें बादाम का पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके खा लेती हूँ। चीनी नहीं डालती मैं, कोई इसके अंदर शहद नहीं डालती, कोई कुछ नहीं डालती। हाँ जी, आप दही के अंदर फ्रूट डाल सकते हैं, कोई अनार डाल लें, सेब डाल लें, ब्लूबेरीज डाल लें, स्ट्रॉबेरीज डाल लें, कुछ सीजनल फ्रूट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप मीठे के बगैर नहीं रह सकते, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्वीटनर्स अवेलेबल हैं, आप कोई एक सैशे उसका भी इसमें डाल सकते हैं। तो कोशिश यही आपने करनी है, वेट कम करें तो मीठा नहीं डालना। फिर जी ये खरबूजा है मेरे पास, एक और हेल्दी स्नैक की ऑप्शन है। आप बस 5-7 पीसेस छोटे छोटे कटे हुए खरबूजे के खा सकते हैं। फिर और हेल्दी ऑप्शन ये है कि ग्रीन टी में 0 कैलोरीज होती हैं, उसके साथ आप 4-5 बादाम खा लें 3-4 बजे अगर आपको भूख लग रही है। उसके बाद अगर आपने ये नहीं खाना तो आप एक एप्पल ले सकते हैं। मैं एक एप्पल ले लेती थी। उसके बाद एप्पल के बाद मेरे पास एक ऑप्शन है, वो पीच की है। आड़ू भी खा सकते हैं, क्योंकि आजकल ये सीज़न में है। उसके बाद सबसे अच्छी जो ऑप्शन है ना, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगी, वो खजूरों की है। अगर आप बहुत डल फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी में जान नहीं है, तो आप खजूरें खा लें। इसकी कैलोरीज़ भी ज़्यादा नहीं होंगी, कोई 150-200 कैलोरीज़ होंगी, 150 होंगी इन दो खजूरों की कैलोरीज़। आप एक खा लें, साथ ग्रीन टी ले लें। तो आपने ऐसे चेंज कर करके जो है वो अपने स्नैक्स को खाना है, ताकि आपको अच्छा भी लगे, आप डल भी फील ना करें, और आप इस डाइट प्लान से बोर तो कभी वैसे ही नहीं हो सकते। अच्छा, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आपने, अगर आपका दिल है थोड़ी सी अनहेल्दी स्नैकिंग का, तो वो कैसे करनी है। 2 बेकरी के बिस्किट आपको अलाउड होंगे, या कोई भी आप पैकेट ले लें, उसमें से 2 बिस्किट आपको अलाउड होंगे। 120 कैलोरीज जो हैं, आप डेली बेसिस पे खुद को ट्रीट दे सकते हैं। ग्रीन टी में आप शहद ऐड कर लें। अगर मीठे के बगैर नहीं रहा जा रहा, तो आप ये, मेरे पास एक स्वीटनर है, वैसे मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती, पर अगर कभी बहुत मुझे क्रेविंग हो रही है, क्योंकि मैं एक मीठा लवर हूँ, तो मीठे के बगैर रह नहीं सकती, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। पर अगर मुझे बहुत क्रेविंग हो रही हो, तो फिर मैं ये सैशे किसी भी चीज़ में डाल लेती हूँ, दही में भी डाल लेती हूँ, ग्रीन टी में भी डाल लेती हूँ, जिसमें भी मेरा दिल चाहे, ज़्यादा नहीं यूज़ करती। अच्छा, फिर मैं आपको एक रेसिपी देने लगी हूँ, आप जो आप लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, स्नैक की ऑप्शन भी है ये आपके पास। चना चाट की रेसिपी है, बल्कि चाट नहीं, इसको सैलड कहेंगे, चिकपी सैलड की रेसिपी है ये।
इसके अंदर मैंने ढेरों ढेर सब्ज़ी ले ली। आपके पास भी जो जो सब्ज़ी हो वो आप ले सकते हैं। फिर इसके अलावा चने तो मैं वैसे ही बॉयल करके रखती हूँ कि अगर कभी दिल चाह रहा हो या कभी कुछ नहीं अच्छा लग रहा सालन वगैरह तो हम ये जल्दी से सैलड बना लें। तो जी चने मैंने इसमें ले लिए हैं बॉयल किए हुए, और चनों के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें प्रोटीन है, इसमें फ़ाइबर है, और इसमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, या आपका पेट जो है ज़्यादा देर तक भरा रख सकते हैं। फुल फिलिंग होते हैं ये। जब आपने ये खाए होंगे ना, आप कभी नोट कीजिएगा कि आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी। तो इसलिए ये इन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प किया वेट रिड्यूस करने में। अच्छा, चने डाल दीजिए। देखें, मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी कटा हुआ एक प्याज मैंने ले लिया है, मीडियम सा, छोटा सा प्याज था। एक हरी मिर्च भी है, फिर एक मीडियम सा टमाटर है, खीरा है, एक सारी मतलब हर तरह की वेजिटेबल, कैप्सिकम भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जो भी आपके पास आपकी वेजिटेबल अवेलेबल है, चाहे एक है, दो है, कोई मसला नहीं है। घर में जो जो चीज़ है आप वो ऐड कर लें। उसके बाद जी मेरे घर में ये बनी होती है पुदीने की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी ना, तो फिर मैं वो भी जो है चटनी इसमें ऐड कर दूँगी। आपके पास है तो डाल लें, नहीं है तो कोई इतना मसला नहीं है, आप ना भी डालें तो चल जाएगा। बस आपने एक सैलड सही बनाना है ना, कुछ भी आप डाल के बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी एक छोटा टीस्पून जो है मैं, बल्कि हाफ टीस्पून ही कह लें, रेड चिली सॉस जो होती है वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। कैलरीज होती हैं इसमें लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मैं थोड़ी स्पाइसी चीज़ें पसंद करती हूँ, इसलिए मेरा गुजारा नहीं है मिर्चों के बगैर बिल्कुल भी। फिर जी एक ही टीस्पून सोया सॉस का ऐड करें। अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं खाना चाहते या आप बिल्कुल ही बिगनर लेवल पे, तो आप ऐसी चीज़ें ना यूज़ करें। उसके बाद जी एक चम्मच ऑलिव ऑयल का मैं डाल रही हूँ। इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ये बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए, तो एक चम्मच उसका भी मैंने ऐड कर लिया। फिर साथ में मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं, अगर आपको बीपी का इश्यू है या कोई और मसला है आप इसको कम भी कर सकते हैं। इसके बाद जी वही फिर बात आ गई कि मुझे स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं इसके अंदर क्रश चिली डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालनी आप ना डालें, आप चाट मसाला डाल लें, आप कुछ भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। आप ओरिगैनो डाल सकते हैं। फिर इसके बाद में इसके ऊपर जो है वो आइसबर्ग डाल रही हूँ। आइसबर्ग भी बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो आयरन का भी सोर्स होती हैं और वेट लॉस में बहुत हेल्प करती हैं। फिर ये इसमें पुदीना डाल रही हूँ। पुदीना वैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इससे तो वैसे ही कहते हैं ना कि अगर पुदीने का पानी पियो तो पेट आपका बिल्कुल साथ लग जाता है, तो पुदीना जो है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये भी आपको जहाँ जहाँ मौका मिले आप अपने खाने में यूज़ करें। फिर जी इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो फिर इसको जी खा लें, आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छा, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ना घर में चटनी बनी हुई थी रेड कलर की, ना आलू बुखारे की चटनी थी वो, बेसिकली उसमें चीनी नहीं डली हुई थी, जो भी नेचुरली जो आलू बुखारे के अंदर मीठा होता है उसके अंदर बस वही मीठा था। मैंने उसमें बादाम डाले हुए थे, चार मगज़ डाले हुए थे, तो वो जो चटनी है ना, फिर मैंने कहा इसका थोड़ा सा टेस्ट और इन्हेंस करते हैं, तो वो चटनी के दो तीन चम्मच जो है मैंने अपनी सैलड में डाल ली हैं। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। जितना हम गुड़ डालते जाएं चीज़ उतनी मीठी होती जाएगी, आप जितनी चीज़ें ऐड करेंगे इसका टेस्ट और आपके हिसाब से होता जाएगा। पर अगर आप बिगनर लेवल पे ना, आप इसको बिल्कुल सिंपल रखें, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा सा कम हुआ है इसलिए मैं थोड़े से इस किस्म के काम जो है वो कर लेती हूँ। तो जी चना चाट जो है रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको खाना कितना है। ये जो चने होते हैं ना, ये आपने ऐसी चाट बना के तो अंदाजे से जो है, या आपके पास अगर कोई कप है तो आप कप में डाल लें। एक कप के जितनी जो है वो चना चाट हमें एक टाइम पे अलाउ होगी, इससे ज़्यादा नहीं खानी। बेशक ये हेल्दी है, पर अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। तो जी ये देखें कि मैंने एक बोल में रख ली है, तो ये अंदाजे से मुझे अंदाज़ा हो चुका है अब डाल डाल के कि ये मेरा एक कप जो है वो चना चाट का है। तो ये रेसिपी मैंने आपके साथ एक शेयर की है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी, मैंने एक चम्मच जो है लिया है ऑयल का, टेबलस्पून उसके अंदर मैंने बाज़ार की पैटी डाल दी है, और साथ में एक अदद बन ले लिया है।
मैं अपने वेट लॉस के लिए बर्गर भी खाती रही हूँ, पिज़्ज़ा भी खाती रही हूँ, पास्ता भी खाती रही हूँ, सारी चीज़ें मैंने खाई हैं और खा के ही मैंने वेट कम किया। इस डाइट का यही तो फ़ायदा है कि आप सब कुछ खा पी सकते हैं। अच्छा, तो आपको साथ में बताती हूँ इनकी कैलोरीज भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस हो चुकी हुई हूँ और हमें होना भी चाहिए। हम अगर कैलोरीज देख के खाएंगे तो हमारा वेट कभी नहीं बढ़ेगा। एक बन में 120 कैलोरीज हैं और ये जो केचप मैंने डाली है, एक चम्मच ये जो केचप है इसके अंदर 20 कैलोरीज हैं सिर्फ, ज़्यादा कैलोरीज नहीं है। तो ये जो एक टेबलस्पून मायोनीज का डाला है, बल्कि एक से कम ही डाला है, एक टेबलस्पून में 57 कैलोरीज होती हैं मायो की। तो मैंने एक टेबलस्पून से कम लिया तो इसमें ऑलमोस्ट कोई 42-43 कैलोरीज हो जाएंगी। फिर इसको मैंने अपने बन पे लगा लिया। और जी ये देखें, वेजिटेबल जो है वो वैसे ही आपकी पोर्शन फ्री है, आप जितनी ज़्यादा लें। जो जो अवेलेबल थी मैंने अपने बर्गर में जो है वो ऐड कर रही हूँ। देखें आप, साथ में अनियन है और टमाटर डाल रही हूँ अब मैं स्लाइसेस में कट किए हुए, और साथ में आइसबर्ग लगाऊंगी। आइसबर्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा ना ये हेल्दी भी है और थोड़ा सा ना अच्छा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सैलड पत्ते से ज़्यादा मैं ये प्रेफर करती हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर आपको बताती हूँ, इसके अंदर खीरा लगा दूँगी। और जो बर्गर पैटी है इसके अंदर 210 कैलोरीज हैं। अगर यही बर्गर हम बाज़ार से खाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाएंगी, 1000 कैलोरीज तक पहुँच जाएगा ये बर्गर, क्योंकि उनका ऑयल जो है ना वो अच्छा नहीं होता। बाकी चीज़ें तो उनकी अच्छी होती हैं पर ऑयल की वजह से वो अनहेल्दी हो जाता है। चीज़ स्लाइस इसमें नहीं लगाया। देखिए कि घर पर एक फैंसी सा बर्गर बन गया है हेल्दी किस्म का। तो ये भी आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, डिनर में खा सकते हैं, या आपका कोई चीट डे अगर आपने रखा है संडे का, आप संडे को बना के खा लें जब भी आपका दिल चाहे। तो मेरी जो डाइट है उसका ये फ़ायदा है कि आप इसमें बर्गर खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता, राइस खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं दलिए तक, पर आपने पोर्शन में खाना है, आपने ज़्यादा नहीं खाना। तो गूगल हम सबके पास है, जो भी खा रहे हैं आप उस चीज़ की कैलोरीज को देखें। और जी ये टैगलाइन है मेरी मशीन की, अपोलो वालों की, नेवर गिव अप। तो आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, और अगर आपका वेट स्टक हुआ है, रुका हुआ है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करते रहें अपने वज़न को कम करने की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई आपको इससे फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ आपने पूछना हो या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।